मिस्र के पिरामिड सदियों से खड़े हैं एक शानदार अतीत के खामोश प्रहरी की तरह। ये फिरौन और अनंत काल के उनके सपनों की कहानियां बयान करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना और आइए मेरे साथ समय में पीछे कदम रखें और इन प्राचीन अजूबों के रहस्यों को उजागर करें। चलिए हम प्राचीन मिस्र के हृदय में उतरें और पत्थरों पर अंकित कहानियों का पता लगाएं। गीजा का महान पिरामिड उन सभी में सबसे प्रतिष्ठित है। इसे फिरौन खुफू ने अपने अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था। क्या आप सोच सकते हैं, इस विशाल स्मारक के निर्माण में लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक लगे, जिनमें से प्रत्येक का वजन टन में था। जिस सटीकता के साथ इन ब्लॉकों को काटा और एक साथ फिट किया गया था, वह आश्चर्यजनक है। आज भी कुछ जोड़ों के बीच कागज का एक टुकड़ा नहीं डाला जा सकता है। ग्रेट पिरामिड का निर्माण इंजीनियरिंग का एक कारनामा था, जिसके लिए अपार योजना, संगठन और मानव शक्ति की आवश्यकता थी। भारी ब्लॉकों के परिवहन और उन्हें उठाने के लिए रैंप, लीवर, रोलर्स और तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था। कार्यकर्ता कुशल कारीगर और मजदूर थे, जिन्होंने इस स्मारकीय कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, वे आफ्टर लाइफ के द्वार थे। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि फिरौन मृत्यु के बाद अंडरवर्ल्ड की यात्रा करेगा और देवताओं के साथ एक हो जाएगा। पिरामिडों को फिरौन के शरीर और उसके सामान की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे उसके बाद के जीवन में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो सके। पिरामिडों के अंदर आपको विस्तृत दफन कक्ष मिलेंगे, जिन्हें चित्रलिपि और मिस्र की पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजाया गया है। ये पेंटिंग और नक्काशी बाद के जीवन में फिरौन की यात्रा और विभिन्न देवताओं के साथ उनकी मुलाकातों को दर्शाती है। पिरामिडों को भी सितारों के साथ जोड़ा गया था, जो खगोल विज्ञान की मिस्र वासियों की गहरी समझ और आकाशीय क्षेत्र में उनके विश्वास को दर्शाता है। पिरामिडों के पास एक और गूढ़ स्मारक है, स्फिंक्स। शेर के शरीर और फिरौन के सिर वाली यह विशाल मूर्ति सहस्राब्दियों से पिरामिडों की रक्षा करती आ रही है। इसका उद्देश्य और उस फिरौन की पहचान जिसका वह चित्रण करता है, वह रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ का मानना है कि यह खुफू के बेटे फाराओ खाफरे का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य इसे सूर्य देवता रा के साथ जोड़ते हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और थ्री डायमेंशनल इमेजिंग ने पुरातत्वविदों को गीजा पठार की सतह के नीचे झांकने की सुविधा दी है। हाल की खोजों ने पिरामिडों और आसपास के क्षेत्रों के भीतर छिपे हुए कक्षों और मार्गों का खुलासा किया है। इन खोजों ने पिरामिडों के वास्तविक उद्देश्य और अनदेखे खजानों की संभावना के बारे में बहस को फिर से जगा दिया है। मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वार्षिक बाढ़ ने कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की, जिससे एक बड़ी आबादी का भरण पोषण हुआ। नील नदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में भी काम किया। पिरामिड प्राचीन मिस्र वासियों की सरलता और लचीलापन के प्रमाण हैं। वे हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। उनकी स्थायी विरासत हमें मानव कल्पना और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। पिरामिड सिर्फ स्मारक नहीं है, ये एक रहस्यमय और शानदार अतीत से जुड़ाव है। इनकी दीवारों के अंदर छिपे हुए राज ने सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आकर्षित किया है। क्या पिरामिड के गुप्त कमरों में अभी भी अनमोल खजाने छुपे हुए हैं? क्या ये इमारतें और ज्यादा अनसुलझे राज समेटे हुए हैं? आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और 3D स्कैनिंग ने हमें पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों की नई झलकियां दी है, लेकिन अब भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या हम कभी पिरामिड के सारे राज जान पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि पिरामिड अभी भी क्या छुपाते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और ज्यादा अद्भुत प्राचीन दुनिया की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।